मॉन्टो ऑल ऑफ यू स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपलाइटी अलाहाबाद। आज मैं क्या बात करने वाला हूँ तो आज मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ, जो जो अभी फाइनल आने वाली है कटअप, उसका कुछ एक्सेप्टेड कटअप मैं बताने वाला हूँ। और इसमें जनरल का भी बताऊंगा, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सबका जो हमारा मैं कटअप बताऊंगा कि इतने कटअप पे जो हमारा आपका मतलब अगर आप इससे ज्यादा आएंगे तो आपके हो सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाओ। तो ये जो था हमारा एक्सेप्टेड कटअप होगा और ये मैंने खुद से बनाई है और ये प्रीवियस ट्रेंड देख के बनाई है कि 2019 में 2020 में कितने मतलब परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी जो था हमारा उसका जनरल कैटेगरी का या फिर ओबीसी का या फिर एस सी एस टी या ईडब्ल्यूएस का कटअप पे क्वालिफाई हुआ था, उसी तरह से जो था हमारा मैंने इस बार बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये लगभग जो था हमारा एक्यूरेट होगी, इसी के आसपास जो था हमारा आपके हो सकते हैं फाइनल भी, जो जे मीन्स के रिजल्ट आए हैं उसके बाद तो पता चल ही जाएगा। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम भी साइड में आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का अगर आप यहाँ पे भी आ सकते हो तो आ सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी सारे का आंसर देता हूँ। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो जैसा कि पिछली बार अगर मैं बात करूँ 2020 के तो जनरल का कटअप था, मतलब जो जनरल का मिनिमम कटअप था कि इतना अगर कटअप है तो आप क्वालिफाई हो जाए मेंस में, तो वो था 90.376 और ये जो था हमारा 7 डिजिट तक होता है, तो मैं तीन दो दो ही डिजिट तक ले रहा हूँ। तो 90.37 जो था हमारा वो पिछले बार कटअप था जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर मैं इस बार देखूं तो मेरे हिसाब से हमारा अगर आपके 91.09 से ऊपर आने वाले हैं, अगर आ सकते हैं तो आप क्वालिफाई हो जे मेंस के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में जो था हमारा 70.24 जो था हमारा पिछले बार कटअप था। और अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार जो था हमारा मेरे हिसाब से अगर आपके 69.87 परसेंटाइल से ऊपर आएगी तो आप क्वालिफाई हो ईडब्ल्यूएस से। और एक पिछले बार क्या हुआ था कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उसके कट ऑफ इंक्रीज हुए थे 2019 से, और जितने भी ओबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं उसके कट ऑफ डिक्रीज हुए थे। तो इस बार भी मेरे को वही ट्रेंड लगा है कि जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगा और जो दूसरे हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सब का कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस में अगर 69.87 से ऊपर आ रहे हैं आपके अगर आएंगे तो आप क्वालिफाई हो जे मेन्स के लिए, जे मेन्स में क्वालिफाई हो आप। अगर आप ओबीसी की बात करूँ तो 2020 में जो था हमारा वो 72.88 था और इस बार मेरे हिसाब से जो था हमारा 71.45 से अगर ऊपर आएंगे आपको तो आप क्वालिफाई हो जे मेंस। अगर मैं एससी के लिए बात करूँ तो पिछले बार जो था हमारा 50.17 परसेंटाइल था, अगर आपके 50.17 परसेंटाइल से ऊपर थी तो आप क्वालिफाई थे। इस बार जो था हमारा मेरे हिसाब से 49.20 अगर आपके है परसेंटाइल तो आप क्वालिफाई हो जे मेंस। एससी रैंक के लिए अगर मैं एसटी के लिए बताऊं तो एसटी के लिए जो था हमारा पिछले टाइम 39.06 परसेंटाइल से ऊपर है अगर आपकी तो आप क्वालिफाई हो, बट इस बार जो था हमारा मेरे हिसाब से 37.01 है अगर आपके परसेंटाइल है तो आप क्वालिफाई हो जे मेंस, क्वालिफाई हो जे मेंस में। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पिछले बार जो था हमारा 0.06 था और इस बार भी जो था हमारा इसी के आसपास अगर आपके 0.05 के समथिंग अगर आपके पास है परसेंटाइल तो आप इतने में क्वालिफाई हो सकते हो जे मेंस का। ये जो था हमारा मेरा एक्सेप्टेड परसेंटाइल था कि अगर इतने इससे परसेंटाइल से ऊपर आएंगे अगर आपके तो आप जे मेंस क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये था और क्वालिफाई हो जाओगे, मतलब क्वालिफाई होना तो मैं बहुत सारे बच्चे होते हैं बट कॉलेज मिलना और क्वालिफाई होना में बहुत ज़्यादा ये होती है, डिफरेंस होती है। बट हाँ, अगर आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से करोगे, अगर आपके थोड़े से परसेंटाइल कम भी है और काउंसलिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको कॉलेज मिल भी सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने एडवांस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया आज ही, जो आप मतलब अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो आ जाएगा, जिसमें मैंने बताई है कि एडवांस में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जो बच्चे एडवांस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो या फिर आई बटन में आ रहा होगा वहाँ भी आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और कर देना जरूर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।